आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर सभ्यताएं बढ़ रहे थे और आज जो हम सभ्यता बढ़ेंगे वो कौन है, वो कौन सी सभ्यता है? वो है बालातल सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता है अपनी? बालातल सभ्यता। कहाँ पर है बालातल सभ्यता? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और उत्खननकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र है। बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर है और इसका उत्खनन है किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें क्या महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं? एक तो हमें यहाँ से लोहा गलाने की क्या है, बटिया मिलती है। कहाँ से मिलती है? बालातल से मिलती है। और हाथ से बुने कपड़े का क्या मिलता है हमें? यहाँ से शक से मिलता है। हमने एक और सभ्यता पढ़ी थी, वहां भी हमने यही पढ़ा था कि हमें हाथ से बुने हुए कपड़े का क्या साक्ष्य मिलता है। कौन सी सभ्यता थी? वो थी बैराट। बैराट और बालाथल दोनों से हमें क्या मिलते हैं? हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य, लोहा गलाने की बटिया मिलती है। कितनी बटिया मिलती है? 5 बटिया मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कुष्ठ रोगी का 4000 साल पुराना में कंकाल भी मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? बालाथल से मिलता है। एक कुष्ठ रोगी का कंकाल है, 4000 साल क्या है? पुराना है। और योगी मुद्रा में हमें क्या मिलता है? और स्वाधान मिलता है। ठीक है, बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व के अंदर क्या किया गया? उत्खनन किया गया। प्राप्त अवशेषों में लोहा गलाने की हमें 5 बटियां मिलती है, हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, कुष्ठ रोगी का 4000 साल पुराना कंकाल मिलता है, और क्या मिलता है? योगी मुद्रा में स्वाधान। अगली हम सभ्यता की बात करते हैं, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है तिलवाड़ा? बालोतरा के अंदर है। हमने तिलवाड़ा को पढ़ा था, हमने पहली क्लास के अंदर जब हम राजस्थान का प्राक इतिहास पढ़ रहे थे, तब हमने मध्य पाषाणकालीन जो हमारी समय काल था उसके अंदर पढ़ा था कि बागूर और तिलवाड़ा से हमें प्राचीनतम पशु प्रमाण है, वो कहाँ से मिलते हैं? तिलवाड़ा और बागूर से। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है? मानव अस्थि भस्म भी मिलते हैं, और पशुपालन के हमें प्रमाण मिलते हैं, और पशु अस्थि अवशेष वाला जो अग्निकुंड है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? तिलवाड़ा से मिलता है। अगली सभ्यता हमारी सुनारी। कहाँ पर है सुनारी? जो नया जिला बना नीम का थाना वहां पर है। ठीक है, और स्थान खेतड़ी तहसील के अंदर है और कांतली नदी के किनारे पर है। ठीक है, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? कांतली नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? और नया जो जिला बना नीम का थाना हमारे वहां पर स्थित है। और प्राप्त अवशेषों के अंदर हमें यहाँ से एक तो लोहे के तीर मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? लोहे के तीर मिलते हैं, और घोड़े और चावल के हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। हमने रंगमहल में भी पढ़ा था कि हमें रंगमहल से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अपने रंगमहल से, और जो सुनारी से यहाँ से भी हमें घोड़े और चावल के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। और अयस से लोहा बनाने की जो बटिया है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सुनारी से प्राप्त होती है। ठीक है, अगली हमारी सभ्यता है नो। नो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। नो सभ्यता हमारी कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। उत्खनन किसने किया था इसका? रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में क्या किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था। और प्राप्त अवशेष कौन कौन से? एक तो हमें यहाँ से यक्ष की मूर्ति प्रतिमा मिलती है, और 16 चक्रकूपों के हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से अवशेष मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य इतने ही है, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।